फिर एक फंदा ये घटा लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए तीन फंदा हमारा बचा है, ये घटाने के लिए ऐसे ही इधर बुन लेना है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन जालियाँ बन चुकी हैं। ये देखिए एक दो तीन बना हुआ है, एक एक जाली और बनाना है। यहाँ पर चार जालियाँ बनानी है। अब यहाँ पर ये दो फंदे घट जाएंगे। इस चार फंदे के पलटने के पहले हमने फंदे घटाने हैं। ये देखिए दो फंदा ही हमने ये घटा दिया। धागा पीछे करके उसी तरीके से बुनना है हमें। चार फंदे हमने पलट लेने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इधर वाले फंदे इस तरफ से पलटे जाएंगे और इधर के फंदे हमने इधर पलटने हैं। और यहाँ पर चार जालियाँ बनानी हैं। अब इन सभी फंदों को बुन लेंगे। अब यहाँ पर ये फंदे हमें बुनना है सीधा। एक दो तीन फंदा यहाँ हो गया है। अब एक जाली बनाना है यहाँ पे, फिर एक जाली और बनाना है। ये तीन फंदों को बुन लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे फंदा बढ़ रहा है वैसे यहाँ पे हमारा फंदा घट जा रहा है। अब उसको फिर से पलट लेंगे इस तरफ। धागा आगे करके अब इन फंदों को हमने एक साथ घटा देना है। ये देखिए तीन फंदा हमने एक साथ घटा दिया। धागा पीछे करेंगे और इन चारों फंदों को एक साथ बुन लेंगे, पलट लेंगे। फिर वैसे ही इधर बुन लेना है। यहाँ एक फंदा घटाना है और यहाँ ये जाली एक एक बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ चार जालियाँ बनानी थी। ये देखिए एक दो तीन चार, और यहाँ पर ये चार बन गया है। अब देखिए कैसे बनाना है। यहाँ से यहाँ पर एक फंदा बचा है घटाने के बाद से। यहाँ बीच का जैसे सात फंदे थे, एक एक फंदा एक्स्ट्रा यहाँ से लेके। अब देखिए कैसे बनेगा। एक फंदा हमने ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पर हमने साइड में फंदे बढ़ाने हैं। जहाँ पर ये फंदे घट रहे थे अब हमने यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा ये जो उल्टा बुनना था इसको उल्टा ही बुनेंगे। धागा पीछे करके हमने ये सिलाई पर ये धागा लपेट लिया। फिर से इन चारों फंदों को हम पलट लेंगे। यहाँ पर हमारा ये एक फंदा बढ़ चुका है। अब इनको हम सीधा बुन लेंगे पलटने के बाद में सभी फंदों को। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो चार चार फंदे हो गए हैं इस बीच वाले चेन को छोड़ के, ये देखिए अब यहाँ पर हमने एक एक फंदा ये घटाते जाना है यहाँ से। अब हमारा यहाँ पहले फंदा घट रहा था, यहाँ बढ़ रहा था। अब हमने यहाँ फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ घटाने हैं। ये देखिए ऐसे एक दो तीन फंदा बुन गया। और फिर ये बीच का एक फंदा, फिर यहाँ पर तीन फंदा बुनेंगे। और ये दो दो फंदा को इसको, अब ये दो फंदा हम यहाँ पे ये घटा देंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए तीन फंदा इधर और तीन फंदा इस बीच के जाली चेन से, तीन तीन फंदा इधर बच गए। अब फिर इन चारों फंदों को पलटने वाले को पलटना ही है। इसको देखिए इसको पलट लिया हमने। इन चारों फंदों को बुन लेंगे। अब हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं, एक फंदा जो बचा है। अब यहाँ हमने दो जाली बनानी है। इन बीच का जो फंदा है इसको उल्टा ही रखना है।
तो धागा आगे करके और इस तरीके से लपेटेंगे हम एक फंदा। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। अब इसको उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर ऐसे लपेट लेंगे, क्योंकि हमने अब हमने सीधा बुनना है। तो ये देखिए तीन फंदा यहाँ पे बढ़ गया और उसके बाद हम इन फंदों को पलट लेंगे। चारों फंदों को हम सीधा बुन के यहाँ पर हम फंदा अब घटाएंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे एक एक फंदा हमने घटाना है। एक दो, ये तीन फंदा यहाँ एक घट गया और तीन फंदा यहाँ बचा। अब बीच के एक फंदे को बुन लेंगे सीधा। अब यहाँ ये दो फंदा बुन के एक फंदा, ये दो फंदों को एक साथ घटा देंगे। ये देखिए तीन फंदा यहाँ बुन गया। अब इन चारों फंदों को पलट लेंगे। ये चारों फंदे पलट गए हैं। अब यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ घट रहा था, अब फंदा हमने यहाँ बढ़ाना है। तो ये देखिए उल्टा बुनना है, इसलिए हमने ऐसे लपेटा है धागा। इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब बैक साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टी ही बुननी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा डिज़ाइन हमारा ये बन गया है। ये देखिए इसके बाद देखिए कैसे बनाना है। ये जो शुरू में जो हम उल्टा बुन रहे थे, इसको उल्टा ही बुनेंगे। अब यहाँ पर फंदे हमने एक फंदा बढ़ाना है। ये देखिए अब यहाँ तीन फंदा बुन के हमने ये फंदा बढ़ाना है। यहाँ पर यहाँ चार फंदा हो गया। अब फिर इसको पलटे हुए फंदों को फिर से हम पलटेंगे चारों को। ये देखिए चारों फंदा हमने पलट लिया। अब देखिए यहाँ पर ये तीन फंदा बुनने के बाद में यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाना है और उसके बाद ये चार फंदे पलट लेने हैं। इन चारों को फिर सीधा बुन लेना है। ये देखिए पलट लिया है हमने, इन चारों को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए पलट के हमने ये सीधा बुन लिया। फिर से यहाँ एक फंदा घटाएंगे। और यहाँ एक फंदा बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से ये घट रहा है। फिर बीच का एक फंदा, फिर एक फंदा और इधर दो फंदा ये हमने घटा देना है। ये देखिए ऐसे ये पत्ती हमारा ये बीच का बनने लगा है। इसके बाद ये चार फंदा हमने घटा लेना है। घुमा उसको वो पलट लेना है चारों फंदों को। फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने उल्टा बुनना है। धागा आगे करके ऐसे बढ़ा लेंगे यहाँ पर एक फंदा और ये तीन फंदा हमने ये उल्टा बुन लेंगे बीच का। अब हमने ऐसा बनाना है बीच में। अब इसको तीन फंदा हमने उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे करके और ऐसे हमने धागा यहाँ पर पलट लपेट लिया। तो एक फंदा और यहाँ बढ़ गया। अब ये देखिए यहाँ पर तीन फंदा था, अब यहाँ एक दो तीन चार पांच फंदा हो गया। इसके बाद फिर इन फंदों को पलट के जैसे हम बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे और यहाँ पर एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बीच में ये पत्ती डिज़ाइन ये बनने लगा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कैसे बनना है। अब यहाँ पर हमने एक दो ये तीन और इस बार ये चार फंदे बुन लेने हैं उल्टे।
इसके बाद धागा पीछे करके एक बार सिलाई में लपेट लेंगे। एक फंदा फिर से यहाँ बढ़ गया। इन चारों फंदों को हमने पलट लेना है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप इसको बनाएंगे जेंट्स स्वेटर में या किसी में भी जिसमें आपका मन हो उसमें, बहुत प्यारा लगेगा ये। ये डिज़ाइन आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये देखिए, इसके बाद हमने इस चारों फंदों को बुन लेना है। यहाँ पर फिर से हम, यहाँ देखिए पांच फंदा बचा है। अब यहाँ पे फिर से हम एक एक फंदा घटाएंगे। एक फंदा ये घट गया, एक ही बीच का ये चेन बुन गया। फिर यहाँ पर ये दो फंदा बुन देंगे तो एक फंदा यहाँ भी घट जाएगा। अब यहाँ पर ये तीन फंदा बचा। फिर उसके बाद जैसे हम बुन रहे थे वैसे यहाँ पर बुन लेना है। धागा आगे करके यहाँ सिलाई में लपेट लेंगे और इन पांचों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए पांच फंदा को उल्टा बुन लिया। फिर यहाँ पर जाली बनाएंगे और यहाँ एक फंदा लपेट लेंगे। फिर से इधर ही जैसे इधर बुन रहे थे ऐसे इधर भी फिर से बुन लेना है। यहाँ देखिए हम फंदा बढ़ा भी रहे हैं। बैक साइड से हमें पूरा उल्टा बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अब तीन फंदा बचा है। अब ये तीनों घट जाएगा, यहाँ पर एक फंदा भी बढ़ाना है तो इसको हमने ये बढ़ा लिया। और उसके बाद इन चारों फंदों को पलट देंगे। चारों को सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये तीनों फंदा को, बीच वाले फंदे को इधर साइड में कर लेंगे और इन तीनों को एक साथ घटा देंगे। ये देखिए, तीनों फंदा को हमने एक साथ घटा देना है। ये देखिए, बीच की पत्ती हमारी ये कंप्लीट हो गई। ये तीनों फंदा हमने घटा दिया। इसके बाद इन चारों फंदों को पलट लेंगे। ये देखिए, पत्ती हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद से अब यहाँ से फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक एक फंदा जैसे यहाँ पर ये बढ़ा हुआ है और यहाँ पर ये अभी बढ़ रहा है। अब फिर घटना शुरू हो जाएगा। तब यहाँ ये दो फंदा घटा है तो ये एक और एक, ये दो फंदा हमने यहाँ भी बढ़ाना है। ये देखिए ऐसे। इसके बाद यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ, ये देखिए सात फंदा हमने ये बुन लिया और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये ऐसे बढ़ गया। अब इधर फंदे पलटे जाएंगे जैसे हम बना रहे थे इधर। अब ये देखिए, एक फ्लावर हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद में अगली सिलाई से यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गया है। उसके बाद हमने ये दूसरा बनाया है इसी के ऊपर। ऐसे हमारा ये डिज़ाइन बनते जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने के लिए।